राम राम। कभी तुमने अपने घर में, मतलब घर में जब कोई नहीं होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, घर वाले कभी गांव चले गए, कभी कहीं, अब मेरे घर वाले गांव चले जाते हैं, तुम्हारे वाले कहाँ जाते हैं वो तुम पता करना, ठीक है? हाँ, अगर कभी भी तुम्हारे साथ ये होता है, होता ही होगा, इंडिया में रह रहे हो तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? तो अगर तुम घर में अकेले रह रहे हो तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि तुम छत भी गए हो, अगर उससे नीचे आओ तो ऐसा लगेगा पीछे कोई दौड़ा रहा है, और जब तुम सोच लेते हो कि कोई दौड़ा रहा है तो तुम्हें परछाई भी दिखने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम सोच लेते हैं कि ये चीज़ हो रही है तो वो वाकई में होने लगती है। अब एग्जाम्पल तुम लोग खुद ढूंढ देना अपने, और फिर हमें कमेंट करके बताना कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ उतनी ही इंक्रीज होगी। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम दर्द भरे गाने सुन रहे हो, तुम बहुत दुखदाई वाले गाने सुन रहे हो, ठीक है, तो यकीन मानो ये जो ब्रेकअप वाला पेन है वो तुम्हारा डेली डेली इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? इसका पैरामीटर बढ़ता जाएगा, इसका फ्लो बढ़ता जाएगा, जितना भी तुम स्ट्रेस ले रहे हो इसका फ्लो बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये फट जाएगा, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ, अगर तुमने ब्रेकअप के टाइम, जब जब ब्रेकअप हो चुका है उसके बाद तुम पीयूष मिश्रा के वो गाने सुनने लगे, आरंभ है प्रचंड, यकीन मानो तुम्हारे अंदर अपने आप एक स्ट्रेंथ आती जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, दिमाग में जिस चीज़ का जितना प्रेशर डालोगे वो चीज़ उतनी ही इंक्रीज होगी। अगर तुम आज तकलीफ में हो और तुमने गाने भी तकलीफ वाले सुनने चालू कर दिए तो तुम्हारी तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी, डेली डेली इंक्रीज होती चली जाएगी, और वो फिर एक दिन आके फट जाएगी दिमाग में, जिसका तुम इलाज भी नहीं करा पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कभी भी कभी फेलियर आए, कुछ भी चीज़ें आएँ, कोशिश बस तुम्हें एक ही करनी पड़ेगी कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रेशर अपने ऊपर लेने का कोई आजकल चांस है ही नहीं, उसको तुम्हें हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर तुम इसको इग्नोर कर दोगे घूम फिर के, वो चीज़ें कल फिर आएंगी तुम्हारे पास। तुम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से परमानेंट डिलीट कर नहीं पाओगे, खासकर जब भी तुम्हारे अंदर सिचुएशन वाली प्रॉब्लम आएगी कि आप, तुम्हारे पास गरीबी है, अमीरी है, ब्रेकअप है, पैचअप है, ये सारे इमोशन जो हैं वो घूम फिर के तुम्हारे पास आते ही रहेंगे, इनको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि इनसे डील करना तुम्हें आना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेसिक फंडा है जो सब अपनाते हैं, हम तुम्हें बता दें, मेडिटेशन। सबको इससे हेल्प मिली है और वाकई में ये बहुत हेल्पफुल भी है। तो इसलिए प्रेशर को, दिमाग में जिस चीज़ का प्रेशर, ठीक है, दिमाग में जिस चीज़ का प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उस चीज़ में उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। चाहे किसी भी चीज़ का प्रेशर बढ़ाओ उस चीज़ में उतनी ही ग्रोथ होती चली जाएगी, और फिर मेरे भैया तुम कुछ ना कर पाओगे, कुछ भी ना कर पाओगे, क्योंकि तुम उसी में बंधे रह जाओगे, ना तो तुमसे तैयारी होगी ना पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब बस इतना है, अपने आप को ऐसे माहौल में ढालो जहाँ तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहे। हम जो ये वीडियोस बनाते हैं, ये देखो मोटिवेशन तुम्हारे सिर्फ 0.1% काम का है, लेकिन वो 0.1% इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वही 0.1% से तुम्हें डिसिप्लिन सीखने में मिल जाता है। तो इसलिए अपने ऊपर नेगेटिव चीज़ों का प्रेशर मत आने दो, लोड उसको कम रखो, जितना हो सके पॉजिटिव या फिर जो मोटिवेशनल चीज़ें उनको अपने अंदर इंक्लूड करो, ठीक है? क्योंकि उसी तरीके का एटमॉस्फेयर फिर तैयार हो जाता है। राम राम, जय हिंद।